हे गाइस, गुड मॉर्निंग। टुडे इज अजय चालू, यू नीड टू वर्क। ओए हेलो, गुड मॉर्निंग। ओए गुड, ओ आई एम सॉरी, बोल भी दिख रहा है। इट्स 8:14, 23 डिग्री सेल्सियस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम नई जगह आ गए हैं। सी ये पहले सब नहीं दिखते थे, ये सब लोखंड है ऊपर। मुझे लगा था सिर्फ मैं ही ऊपर आ रहा हूँ, बट यहाँ पे कोई और भी आके जा चुका है जिसने ये सारा सामान यहाँ पे ला कर रखा हुआ है। काइंड ऑफ वो इलेक्ट्रिक के पोल्स रहते ना, बड़े वाले, बहुत ऊपर से वायर लेके जाने वाले, उनका है। बिकॉज यहाँ पे वेक है और कह गया ओवर देयर इज सेकेंड, थर्ड एंड दिस इज फोर्थ, काफ़ी लंबा है। तो जैसे पिछली बार बोला था, मैं नया जगह ढूंढ रहा हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए यही मेरा टॉप ऑफ द पॉइंट है एंड दिस इज़ दी एट 170 मीटर अबव सी लेवल। मैंने बोलो ऐसा गूगल फीट का एप्लीकेशन बोल रहा है, जहाँ इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे कहीं दोनों जगह की तरफ पे तो पड़ा होगा, बिकॉज आई एम नॉट श्योर कहाँ पे डालूंगा मैं। चलो अभी अपना टाइम हो चुका है, आजकल सिर्फ ऊपर चढ़ने में अपना एनर्जी ज़्यादा और कुछ नहीं, क्योंकि उतना ख़त्म हो जाता है ना भाई। आधा भी नहीं था, दैट वॉज ओनली अराउंड 1 किलोमीटर एंड दिस इज मोर देन अराउंड 2.5 किलोमीटर। ऊपर चढ़ना भी है, हाइट भी है, तो उसकी सबकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इट्स ऑलवी वेरी, आजकल लोग तो स्टडी कर लिया है। मैं 2-3 फोटो क्लिक करता हूँ इंस्टाग्राम के लिए, यहाँ पे देखता हूँ कैसे क्या करना, मेरे को आता नहीं है यार एक तो ये सब चीज़ें, बट फिर भी कर रहा हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ चेंज अपने आप को करने के लिए। फिर जाके देखते हैं और क्या ही आज के काम। आज कुछ ज़्यादा वैसे प्लान नहीं है, कहीं जाना नहीं, कहीं कुछ नहीं। दिन भर पड़े पड़े आलस वाला दिन है आज, कहीं जाना नहीं है। आज बहुत मज़ा आने वाला है। हर संडे पनवेल, आज सिर्फ घर पे रहूँगा, अच्छा लग रहा है। अभी का जो आपने क्लिप देखा उसका मेरे को साउंड बताना, और ये जो अभी मैं बोल रहा हूँ इसका साउंड बताना। थोड़ा फ़र्क मालूम पड़ेगा बिकॉज आई वॉज यूजिंग बोया का माइक। मैं यूज़ नहीं कर रहा था ये, बट पिछले 3-4 वीडियो से मेरा आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रहा था, मतलब कम ज़्यादा ज़्यादा कम नहीं समझ में आता। इसमें भी नहीं समझ रहा होगा, बट जस्ट ये बोया का माइक यूज़ कर रहा, इसका वायर बहुत लंबा है, मैं इसलिए अभी तक इसको यूज़ नहीं कर रहा था। बट बगैर आवाज़ के तो वीडियो अच्छे नहीं बनते ना, इसके लिए अब से ये यूज़ करना पड़ेगा भले कितना भी लंबा। क्योंकि अभी मैंने वायर यहाँ पर रखा था, मेरा कैमरा वहाँ तक वायर गया था, अराउंड इट्स मोर देन पता नहीं 2 मीटर का कुछ तो वायर है, ये इसको ऐसा लपेट के रखना पड़ रहा है। कोई नहीं, सी यहाँ पे एक पानी का टंकी दिख रहा होगा इधर, इसके पीछे एक पहाड़ है। अब मैं समवेयर वहाँ पे रुकता था रेगुलरली, इसके पहले वाले जो वीडियो में मेरे को साफ दिखा था, दैट वाज ओवर देयर। वहाँ से मैं पूरा ये घूम के यहाँ से ऊपर आता हूँ, इसलिए अभी आके कुछ हो नहीं पाता है, बस पूरी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। अभी हम यहाँ से वापस, अभी यहाँ से उतरना है। आज ना बहुत मज़ा आ रहा है, सच्ची बता रहा हूँ। कुछ काम नहीं, कुछ टेंशन नहीं, किधर जाना नहीं, बस घर में पड़े पड़े ऐसे ही पड़े रहते दिन भर। आज काफ़ी टाइम के बाद ऐसा लग रहा है कि मैं घर में ऐसे पड़ा हूँ ना, हर बार कुछ ना कुछ रहता ही था, यहीं जाना है वहाँ जाना है, बट स्टिल अभी मेरे को पड़े पड़े ना 2-3 काम याद आ गए। काम ख़त्म क्यों नहीं होता है, कभी एक दिन ऐसा क्यों नहीं मिलता जिसमें पूरे 12 घंटे ऐसे पड़े 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 निकालूँ, पॉसिबल ही नहीं है। दैट इज़ आलसपना और मैं आलसपना नहीं कर सकता। तो अभी काम करता हूँ, जो काम याद आ गए हैं वो जाके कर लेता हूँ, हैं फिर आराम से बैठूँगा। सो द वर्क दैट आई सेड इज, इधर कुछ नहीं, इन सारे झाड़ों में पानी डालना है यहाँ से लेके यहाँ तक। काफ़ी टाइम के बाद घर के झाड़ में फूल आया एक, वरना इनमें से किस में से भी कुछ नहीं आ रहा है। ये तो खैर ऑलमोस्ट नहीं बचा हुआ है, इसमें पानी पड़ा हुआ है बट जा नहीं रहा है। मेरे को इसका मैंने बनाया था वो क्या बोलते हैं, अपना बॉटल में गड्ढा करके कॉटन डाल के उसमें कुछ बनाया था कि पानी टपकता रहे, बट इसमें टपक नहीं रहा है। नीचे वाले में भी पड़ा हुआ है, इसका तो टपक टपक के ख़त्म हो गया ये वाले का, बट इसका टपक नहीं रहा है, वो देखने का है। और बॉटल अपने पास बस दो सामान है, या तो इसमें से पानी डाल सकते हैं या तो नीचे वाले से डाल सकते हैं। अभी तो मैं इसमें से डाल रहा था, आज इसमें से डाल के देखता हूँ।
मस्त पानी डाल रहे इसमें से, और जब तक इसमें से पानी डाल रहा था ना मैं, तब तक झाल चढ़ रहे थे, तब तक झाल चढ़ रहे थे, बॉटल में से डालना शुरू किया तो नहीं चल रहे, तो आज पहले इसको धोना पड़ेगा, लेट्स गेट इसको धो लेते, आज इसमें से पानी डालेंगे हम। शी इज फाइटिंग विद हर मदर करके, बहुत प्यारी है, बहुत टाइम पास होता रहता पूरा दिन हमारा। अभी पानी कहाँ धो, ये तो मर गई, ओके यहाँ धो लेते इसको, ओके नंबर इसको यहाँ धो लेते, और यहाँ पे भी एक सामान लगाने का, जब लगाऊंगा तब दिखाता हूँ, फिलहाल धो के सारे झाड़ू में पानी डाल लेता हूँ मैं। तो अभी घड़ी में बजे 5:30 सुबह, इसमें कुछ दिख नहीं रहा था क्योंकि इसका ब्राइटनेस बहुत कम है, और मैं इसमें बढ़ा नहीं सकता क्योंकि इसका डिस्प्ले टूटा हुआ है। और मैं अभी जा रहा हूँ दोपहर का काम करने के लिए, क्योंकि दोपहर को आने के बाद से पहले मैं उजले में जाता हूँ बिकॉज अंधेरे में हूँ, क्योंकि दोपहर को मम्मी को लेके उसके बाद खाना खाया, खाना खाने के बाद फिर सुधीर के साथ गया था, सुधीर आया हुआ है, उसके साथ गया था ग्राम पंचायत के ऑफिस, वहाँ से टैक्स पावती लाने के लिए, क्योंकि पेमेंट कर चुका वो लेके आया, और अभी उसी से पूरा बात चल रहा था अभी तक। अभी वो घर पे गए और मैं जा रहा हूँ ये चीज़ को लगाने, दिस इज़ आईना का कबड छोटा जो बाथरूम में लगता है, तो अभी इसको अपने को लगाने का है, यही लेके जाते तो थोड़ा वजन भी है। लेट्स स्टार्ट, कहाँ लगाना है अभी हमने डिसाइड कर लिया है, ये जगेंगे आके यहाँ पे, तो सबका हाथ पहुँचेगा और सबका होएगा मस्त। तो अभी हम जाते और जाके ड्रिल मशीन लाते, यहाँ पे होल मारते, लेट्स स्टार्ट। इसके पहले लेके मेरे को मार्किंग करनी पड़ेगी, मैं एक काम कर लेता हूँ, एक मार्कर है मेरे पास यहाँ पे, पहले मार्किंग बना लेता हूँ, बीच में कोई टाइल्स टूट ना जाए, मेरे को डर इस बात का है, बीच में ड्रिल करते हुए टाइल्स टूट गए तो लेने के देने पड़ जाने। दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट प्लेस, दिस टू द मार्किंग, एक मार्किंग, दिस इज सेकेंड मार्किंग, ओके तो अपनी मार्किंग जाली है, तो आप लगा ड्रिल करायचं। आपल्याकडे घरातच ड्रिल मशीन आहे, हे आपण इथे कनेक्ट करू, चेक करू चालू, आणि केली आवाज, आपल्याला टेबल पाहिजे, चढलो आपण टेबल, ए कोणाला तुम्हाला, अच्छा ह्याला हॅमर कुठे, हा साईडला। अभी थोड़ा सा इसमें पहले हम मार्किंग करेंगे, आवाज हाँ, पहले टाइल्स में थोड़ा सा मार्क करेंगे ताकि ड्रिल को जाने को। तो अपने फिलहाल दोनों मार्किंग के तरफ होल हो चुके हैं, अभी अपने को ये स्क्रू है, इन स्क्रू को इनमें लगाना है, फिर इसको हैंग कर देना है, अपला काम झाला मग। तो अभी फिलहाल अपन इसको लगाते, इसको थोड़ा ताकत जाएगा, क्योंकि स्क्रू अंदर जा नहीं रहा है, तो इसमें और ड्रिल मारना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइट रहेगा, घुमाते रहूँगा ना तो स्क्रू टूट जाएगा, इसके लिए मेरे को इसको और थोड़ा करना पड़ेगा। अत्ता तर आपला काम झालं, अब इसे इसको लटका के देखना है अपने को, लेट्स सी। यहाँ बहुत नीचे हो गए, तो इस तरह से काम के लिए पसीना निकल गया था, बट फिलहाल इसको थोड़ा नीचे हो गया था, तो ऑलरेडी दिखा चुका था कैसे लगाना है, इसलिए वो दिखाया नहीं, बट दो स्क्रू मार के मैंने ऊपर कर दिए, मतलब वो दो स्क्रू निकाल के और उसको ऊपर कर दिया, बट अपना अब ये सही हाइट पे लग गया, ये काम हो गया।